तो हो सकता है कि हार्डनेस टूट गया हो। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब महिला को रेस्क्यू किया जा रहा है, उस वक्त की तस्वीर है। महिला को आप देखिए कि जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने रेस्क्यू कर लिया और उनको जो वहां पर स्ट्रेचर है उस पर रखा जा रहा है, उसको इसलिए बांधा जा रहा है जिससे कि बॉडी में अगर कहीं पर हड्डियां टूटी हैं तो मूव ना करें और स्टेबल रहे ताकि हॉस्पिटल ले जाते वक्त किसी तरह का कोई झटका उन्हें ना लगे। और बॉडी की अगर हड्डियां, जाहिर सी बात है इतनी ऊंचाई से गिरी होंगी तो चोट तो गंभीर लगी होगी, हड्डियां भी टूटी होंगी, तो वो जिस पोजीशन में जो हड्डी है वो वैसे ही रहे। और इस तरह के हादसों में ये बिल्कुल मेक श्योर किया जाता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेचर से बहुत टाइटली टाइड हो, बंधी हुई हो, क्योंकि अब यहां से अस्पताल ले जाएंगे तो वहां पर भी रोड में झटके लगेंगे और उस दौरान भी कोई इंजरी पोस्ट इंजरी हो सकती है। हालांकि ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर उस वक्त की जब महिला को रेस्क्यू किया जा रहा था और अचानक केबल टूट गई और महिला नीचे गिरी, और दूसरी तस्वीर उसकी जब नीचे से महिला को रेस्क्यू कर यहां से सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, ये दुखद हादसा पेश आया और हम यही उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं कि महिला जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अस्पताल में उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन अब कितने लोग वहां पर केबल में फंसे हुए हैं? क्या एक बार फिर से एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है? क्या वो रस्सी चेंज की गई है? क्या दूसरा हेलीकॉप्टर वहां पर लाया गया है? देखिए, इस हादसे के बाद तो चॉपर वहां से निकल गया है और जो जवान है वो अभी केबिन में ही है। जो जवान रेस्क्यू कर रहा था वो अभी केबिन में ही अभी वहां पर मौजूद है और उसके साथ केबिन में फंसे हुए एक या दो लोग हो सकते हैं। केबिन नंबर 7 वो आखिरी केबिन था जिसमें ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था और कुछ ही देर की बात थी ये ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म होता। आज सुबह से जिस तरह से सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा था, तमाम परेशानियां भी आ रही थी, बावजूद सब कुछ का समाधान भी निकल रहा था। हमने देखा कि किस तरह से विंडो में जाने में दिक्कतें हो रही थी, किस तरह से उनको ऊपर जाना पड़ रहा था, किस तरह से जो उनका बैग था, जो बेल्ट था, वो बताना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सारी चीज़ों का समाधान निकल रहा था। लेकिन आखिरी समय में एक ऐसी मुसीबत आई जिसने बिल्कुल सबों को झकझोर दिया और वो जवान जो तेजी से ऊपर की तरफ गया, उसे लगा कि शायद वो तब तक वो उसे सुलझा लेगा, लेकिन इसी दौरान शायद वायर टूट गया और इसके बाद वो महिला नीचे गिर गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।